दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरके इन्फॉर्मेटिव चैनल में। आज देखिए जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक मेरे पास सीपीयू आया है और इसका प्रॉब्लम है कि ये जब हम ऑन कर रहे हैं तो मॉनिटर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पीसी ऑन हो रहा है, यहाँ पे लाइट भी जल रहा है पावर बटन में, लेकिन आपका जो डिस्प्ले है मतलब आपका जो स्क्रीन है यहाँ पर आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बताया गया, अभी तक हम इसको ऑन किए नहीं है। तो चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं और इसका जो प्रॉब्लम कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जैसे कि नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। क्योंकि देखिए छोटा सा जो प्रॉब्लम है ना, आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जबकि आपको कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो अगर आपका भी फायदा होता है तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है किसी और को इसे शेयर करके इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट छुटकारा पाने के लिए प्लीज़ मदद करें इस वीडियो को शेयर करके। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और इसे ऑन करके देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए अब ये जो सारे केबल है इसका पीछे हम सीपीयू का पीछे में कनेक्ट कर लेते हैं एक एक करके। आप चलिए अभी यूपीएस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सारे जो केबल हैं इसका हम कनेक्ट कर चुके हैं, मेरा मॉनिटर ऑन हो चुका है। अब हम मेरा जो पीसी है इसे एक बार ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पावर बटन है इसमें लाइट जल रहा है, लेकिन अगर आप मॉनिटर का बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ हो चुका है और डिस्प्ले मतलब सिस्टम ऑन हो चुका है, लेकिन आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम नो डिस्प्ले प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब आपका सीपीयू जो है ये ऑन हो रहा है, जैसे कि आप देखिए पावर बटन यहाँ पे लाइट जल रहे हैं और यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम इस सीपीयू का जो कवर है इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का फैन है, ये चल रहा है और मेरा जो सीपीयू है ये रनिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसे ये जो प्रॉब्लम है इसे हम नो डिस्प्ले कहते हैं। मतलब आपका जो सीपीयू रहेगा ये आपका टोटल काम करेगा, पूरा काम करेगा, लेकिन आपका मॉनिटर में आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को अब सॉर्ट आउट करने के लिए तो मेरा जो पीसी है इसे हम पहले बंद करते हैं, ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले ना जब ये प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका जो हार्ड ड्राइव का कनेक्शन है इसे आप डिसकनेक्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो पीसी है बार बार ऑन ऑफ होने से आपका हार्ड ड्राइव जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ख़राब नहीं हो जाए और आप आराम से काम कर सके। आपका जो पीसी है मतलब अगर आपका पीसी जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तो फिर से आपका विंडोज़ रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े ये बार बार पीसी ऑन ऑफ होने की वजह से। ओके, अब ये प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका जो रैम है, ठीक है, इस रैम को आपको ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे रैम जो है मेरा हम इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, ये रहा मेरा रैम। ओके, हम इसे साइड में करते हैं और हम रैम को डिटैच कर चुके हैं मदरबोर्ड से। अभी ये जो मेरा पावर केबल है इसे भी हम एक बार खोल लेते हैं ताकि हम आराम से काम कर सकते। ये देखिए मेरा बोर्ड। अभी करना क्या है, आपके पास एक ब्रश होना चाहिए और ये जो रैम का स्लॉट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो रैम का स्लॉट है, इसे मुझे एक बार अच्छा से क्लीन कर लेना है। आप भी इसे आराम से इस ब्रश के ज़रिए, अगर आपके पास ब्लोअर मशीन है तो उसे भी आप एक बार हवा मार के इसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो हम ये जो रैम का स्लॉट है यहाँ पे आप देखिए, हम आपको दिखा दें नज़दीक से, ये दोनों ही क्लीन कर चुके हैं। अभी हमको ये जो मेरा रैम है इसे एक बार अच्छा कपड़ा से, साफ कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। हम इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं। ये रहा मेरा रैम जो कि हम अभी एक कॉटन कपड़ा से क्लीन कर चुके हैं। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये रहा मेरा रैम इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो मेरा जो पावर केबल है इसे हम एक बार मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हो चुका है, हम रैम क्लीन कर चुके हैं। अभी हम हार्ड डिस्क का जो कनेक्शन है इसे हम नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे मेरा जो डिस्प्ले है ये अभी काम कर रहा है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए मेरा जो पावर केबल है इसे मुझे फिर से कनेक्ट करना है। चलिए अभी हम इसे एक बार ऑन करते हैं सीपीयू को।
देखिए ये मेरा पावर बटन में लाइट जल रहा है और यहाँ पे इसका जो फैन है प्रोसेसर का ये भी रन ऑन हो चुका है और एक बार मॉनिटर में हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मेरा डिस्प्ले है ये अभी आ चुका है, मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। ओके यहाँ पे जब मेरा पीसी ऑन हो रहा था, जबकि देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोसेसर का फैन है ये भी रन काम कर रहा है, यहाँ पे जो पावर बटन का देखिए ये भी ग्रीन है, सीपीयू भी ऑन है और मेरा डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। मेरा जो प्रॉब्लम था हम इसे सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम क्या था और इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट किया ये ट्रबल शूटिंग मैंने आपको दिखाया। अब चलिए एक बार हम इसे इसका जो हार्ड डिस्क है इसका जो हार्ड ड्राइव है इसे हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और फिर देखेंगे सीपीयू को ऑन करके। मेरा देखिए सीपीयू बंद हो चुका है, अब हम मेरे ये हमारे मॉनिटर अब हम इसे हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके चलिए रेडी हो चुका है, अब मेरा जो पावर बटन है इसे हम एक बार ऑन करते हैं। ये ऑन हो चुका है और अभी देखिए ये जेब्रोनिक्स का आ गया लोगो और मेरा जो प्रॉब्लम था इसे हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। थोड़ा देर वेट करते हैं, मेरा जो विंडोज़ है इसे देखते हैं। और देखिए ये रहा मेरा सीपीयू का फैन, सीपीयू ऑन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों ये रहा मेरा विंडोज़ ओपन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। एक बार हम आपका इसका जो पासवर्ड है इसे भी एक बार इनपुट करके पूरा अंदर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये हम पासवर्ड टाइप कर चुके हैं, अब हम इसे लॉगिन करते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ट्रबल शूटिंग है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पीसी है घर में तो अगर आप यूज़ करते हैं ना, थोड़ा दिन ज़्यादा यूज नहीं करेंगे तो जैसे ही आप ऑन करेंगे बहुत दिन बाद तो आपका ये प्रॉब्लम आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो प्रोसेस दिखाया है इससे आपका 90% जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर नहीं होता है तो ये मदरबोर्ड में या तो दूसरा कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन पहले आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, बिना कोई टेक्नीशियन बुलाए, बिना कोई इंजीनियर बुलाए। और अगर आप ये क्लीन करने से नहीं होता है तो कहीं रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है और कई सारे हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट एड है, जो प्रॉब्लम है, आप इसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसे कि आप इस वीडियो में आप देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगता है ना तो प्लीज़ फिर से एक बार दोस्तों को इसका शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।